खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जल्दी नीचे उतार। चल चल आगे चल, निकल निकल निकल, चल जल्दी जा, जल्दी जा। चल हट रहे पांडू, अभी जाना। बहुत दिनों बाद अम्मा के हाथ की बिरयानी खाई भाई, मजा आ गया। लेकिन भाई, कौन है जिसे मरने की इतनी जल्दी है? डेविड, डेविड 203। यस सर। और मेरा माल ऊपर पहुंचा देना। ओके सर। ओके ओके। साला बनने ना एक नंबर का एटम बाज। सलाम सलाम भाई। सलाम सलाम। सौरभ भाई, बहुत दिनों से माल पड़ा हुआ है, पुलिस का भी टेंशन है,
कुछ करो ना। ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। परिंदा जब बहुत ऊंचा उड़ने लगता है तो एक एक करके उसके पर काट देने चाहिए। उसकी मां की, लाओ साले को जमीन पर। तुम्हें पता है ना कि तुम लतीफ की बात कर रहे हो? जानता हूं, जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तो तुमको ऑफर दे रहा हूं। सलीम साहब मुल्ला, लतीफ का सबसे पुराना दारू का सप्लायर, अच्छी तरह से जानता हूं। लतीफ से पहले ब्रिजेश बाटली वाला वो सप्लायर था, वो मेरा बाप था। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम सलीम का एनकाउंटर कर डालो, लतीफ को मैं टपका डालूंगा ताकि दारू के धंधे पे तुम्हारा कब्जा हो जाए। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? ये लो। अरे कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार बंजारा साहब। अरे इसमें तो आपका फायदा है ना। अरे सरकार जो आपको 10% दे रही है वो तो देगी देगी, अरे हम भी तो आपको 30% देंगे ना, लतीफ से 2 गुना ज्यादा, है कि नहीं भाई? डन। चीयर्स। कल उसके आने का वक्त वो वही वक्त उसके जाने का होगा ऊपर। गुड। देखा ना साले साहब, मैं तुमको क्या बोलता, मेरे मस्तक से चलोगे ना तो लाइफ में कभी मात नहीं खाओगे, है कि नहीं? क्या हुआ? वो यशवंत, क्या हुआ? लागे ना दिल, लागे ना।
शुक्र मैं करूं हर लफ्ज में, खुदा का शुक्र मैं करूं हर लफ्ज में, मैं तेरा रहनुमा, मैं तेरा रहनुमा, मैं तेरे इश्क में। आँखों से तेरी हम मेरी सुबह हो, फना जिंदगी चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या शिकायत लेके आए हो मेरी? तू चुप कर, हर वक्त बीच में टांग अड़ाता है। ये कौन है? आप खुद ही देख लीजिए, ये मिलना चाहती थी आपसे, इसीलिए मैं यहाँ ले आया। आप बैठ जा बेटा। मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब बैठिए ना। इंशाल्लाह मैं कल आता हूँ। अरे बाद में आता हूँ।
खुदा हाफिज। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी मर्जी से आए हो या ये तुम्हें जबरदस्ती? क्या अम्मा, मैं इसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? तू चुप कर, मुझे तेरी बातों पर एतबार नहीं है, मैं इससे पूछ रही हूँ ना। बताओ बेटा। अम्मा इसे मेरी मदद की जरूरत थी और मैंने इसकी मदद की, बस। सच? अच्छा ये बता, लड़की कैसी लगी? ये तो बहुत खूबसूरत है, बहू बनाने लायक है। और तू एक बात बता, इसे सिर्फ घुमाएगा फिराएगा या शादी करके घर लाएगा? अम्मा सारी बातें यहीं कर लोगी या इसे घर में भी लेके चलोगी? चल बेटा चल। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। केम छो सोहराब, एनकाउंटर करोगे क्या? मजबूरी है। अगर उसकी कीमत मिल जाए तो? कीमत तो मिल चुकी है सोहराब। अगर कीमत दुगनी मिल जाए तो? कीमत दुगनी मिल जाए तो? पटेल। यस सर। तो पटेल को उड़ा देंगे। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। नहीं टेंशन मत ले, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा। नहीं तो ठोक दूंगा ये। चल जूते उतार। चल चल जूते चेंज कर, चल इसे पहन, जल्दी कर। चल पटेल भाग, पटेल भाग, नहीं तो गोली मार दूंगा। देखा सोरा, बच गया तू। हाँ भाई। अब पैसे पहुंचा दे। ठीक है पहुंचा देता हूँ। वो देख कैसे भाग रहा है, देख। साला पुलिस को गांडा समझता है। ए, कल के न्यूज में ये दे दे कि भाग रहा था, एनकाउंटर में मारा गया। चल उठा इसकी लाश को, इसके जूते से पहना। तूने मेरे आदमी को क्यों मारा? तूने भी तो डेविड परदेसी को टपकाया, जिसके पीछे मैं सालों से पड़ा था। मैंने कभी कुछ कहा? कुछ कहा मैंने कभी? वो मेरा भाई था। पता है, और मुझे ये भी पता है कि तेरा हर आदमी तेरे भाई जैसा है। आज तो तू गया वनचारा। ए, पागल हो गया क्या? पुलिस वाले पे गोली चलाएगा तू? पुलिस वाले पे? तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम जो भी हो, ये देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। ए लतीफ, ए लतीफ, अपनों पे गोली चलाएगा तू? वो तू इससे पूछ। मेरी बात ध्यान से सुन, ऊपर से ऑर्डर आया था, वो भी एक आदमी को मारने का नहीं, तेरे सारे आदमी को टपकाने का। तू मेरा आदमी है ना, इसलिए एक आदमी को मारा, नहीं तो सबको टपका देता। बंजारा! ए, क्या करता मैं? क्या करता मैं? अरे मेरी जगह तू होता तो क्या करता? बता?
बात करता। मुझे लगता है ये बात हमें यहीं खत्म करनी चाहिए। हमें बहुत सारे काम करने हैं और हम लोग आपस में लड़ते रहें तो तीसरा कोई फायदा उठाएगा, समझा? मुझे गद्दारों से सख्त नफरत है चौधरी साहब। चौधरी साहब, मुझे लगता है कि एक दिन ये आदमी हमारे सामने खड़ा होगा। जुर्रत करेगा ये? देख लो आप, देख लो आप। जिस दिन उसने ये जरूरत की, उसकी आखिरी सांस से गिनना शुरू कर दूंगा मैं। मेरा नाम भी प्रताप चौधरी है। लोग कहते हैं क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ तो बस एक मजहब है, पावर और पैसा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। हकीकत ये है कि हर क्रिमिनल अंदर से किसी न किसी धर्म को मानने वाला होता है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं। हर बार की तरह सौखत मिर्जा फिर चुनाव में खड़ा हो रहा है। पिछले 12 साल से वो जीतता आ रहा है, इसलिए हमारे कारोबार पे बहुत असर हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नारायण पटेल का इस्तेमाल किया जाए। इस बार मैं उसके सामने नारायण पटेल को खड़ा करना चाहता हूँ। इसके खुद के वोट हैं, कुछ तुम्हारे दबाव में आके वोट डालेंगे, बाकी कुछ वोट हम खरीद लेंगे। कम पड़े तो बहुत कैप्चरिंग कर लेंगे। उसके बावजूद भी शौकत मिर्जा चुनाव जीत गया तो हम वही करेंगे जो इस देश में इलेक्शन में होता है, दंग के फैलाएंगे। अरे चौधरी, दंगा फैलाना इतना आसान नहीं है। शौकत मिर्जा और रऊफ दोनों साथ हैं। अगर रऊफ बीच में आता है तो उसको उड़ा देंगे। वो कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? एक मिनट सेठ, रऊफ को उड़ाने में और दंगे कराने में, इन दोनों चीजों में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। अपने धंधे के दुश्मनों से मेरा बैर है, मासूमों से नहीं। और कुछ काम हो तो बोलना। सलाम मासूमों की बात करता है। कितने मासूमों को दारू से मारा है उसने, कितनी गोलियां चलाई नहीं जानता है वो। कुत्ता पलो या कुंडा, वक्त आने पर भोगता जरूर है सलाम। टेंशन काहे लेता है चौधरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या घंटा ठीक हो जाएगा? साला बनी बनाई गेम बिगाड़ कर चले गया वो। चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं बंजारा, बिना दंगे के इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। और हमें करना क्या है? हवा देनी है, सिर्फ हवा। जनता लड़ेगी धर्म के लिए और हम लड़ेंगे कुर्सी के लिए। चौधरी, दंगा तो लतीफ के बगैर भी हो सकता है। कैसे? देख, हम लोगों ने जो प्लान बनाया है, हम उसी प्लान के मुताबिक चलेंगे। इस शहर में लतीफ का दबदबा है और हमें इस दबदबे का फायदा उठाना है। और अगर कहीं ये लगता है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं तो मेरे पास एक मोहरा है जिसे लतीफ की जगह खड़ा किया जा सकता है। कौन? नग्गा, अपना नागेश। बुलाओ से। यस। देख, 24 तारीख और 25 तारीख में बाहर हूँ, 27-28 उनके लिए लिख के रख दो। सलाम, नमस्ते। फोन करके रख। प्रताप सेठ, ये नागेश है भाई, और ये उसके जीजा। वेल जी भाई, बहुत ही होशियार और चालाक लड़का है, मैंने सब समझा दिया है, बाकी आप देख लो। ये काम कर पाएगा? हाँ भाई, बोल डल बोल, काम हो जाएगा। दंगे तो इस देश में होते रहते हैं, इस बार दंगे ऐसे होने चाहिए कि आने वाली नस्ल याद रखे, समझा? आओ लतीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इस गरीब खाने की तरफ कैसे भाई? चाचा, आप तो जानते ही हो, शहर में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। बरसों से आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए आ रहे हो, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ आप हमारा साथ दें। लतीफ, रऊफ का हर उस शख्स को सपोर्ट है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता है। चाचा, मैं यहाँ ईमान का सौदा नहीं, बस आपका सपोर्ट मांगने आया हूँ। या अल्लाह, अब तुझे कैसे मैं समझाऊं? लतीफ,
तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो महज एक रास्ता ही नहीं दलदल है, और मेहरबानी करके मुझे उस दलदल का हिस्सा मत बनाओ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आम जनता बहुत चलाक हो गई है नेताजी, न तो उसे घेरा जा सकता है और ना ही उस पर पॉलिटिकल दबाव डाला जा सकता है। अरे अगर जनता इतनी शानी हो गई तो हम राजनीति में क्या कर रहे हैं? हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। नहीं राजनीति नहीं, मेरे को तो लगता है कि तुमको दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। क्या मतलब? क्या है ना नेताजी, किसी ना किसी को बलिदान देना ही पड़ता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी नेताजी कि जब तक मरोगे नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी। अरे साफ साफ। अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए कि अल्पसंख्यकों ने नारायण पटेल पर जानलेवा हमला किया है। पुराने अहमदाबाद में तनाव, पुराने अहमदाबाद में तनाव, विरोधी पार्टी के लीडर का कत्ल किसने किया? नीचे भाई जान पढ़िए। चाय वाला से पूछो। हाँ ए भाई, फाइटर भाई किधर रहते? थैंक यू। ठीक है सीधे बराबर है। हाँ बड़ी बदबू मार रहे हैं। सलाम भाई सलाम। आने फाइटर भाई। अरे आओ बेलजी भाई, आओ 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 आओ। क्या बात है, आज हमारी गली में भूले भटके बड़े दिनों बाद कैसे आने हुआ? कैसे हो फाइटर भाई? अरे बेलजी भाई अल्लाह करम है, क्या बात है हमारी गलियों में आज अचानक भूले। अभी क्या बोलेगा भाई, अपने अहमदाबाद के लोगों पर कोई मुसीबत आएगी तो आपके पास आना पड़ेगा ना। मुसीबत कैसा मुसीबत? एक बंदा है भाई जो बहुत जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो दिल्ली जाने वाला है। अभी अभी ये अपना लतीफ भाई, नागेश भाई कोई मानता नहीं। इनको समझाता है लेकिन इनके कान में चू नहीं रेंगता भाई। अभी अगर ये बंदा उधर जाकर अपने बारे में कुछ बता दिया, अपना पोल खोल दिया, तो सब कोई 302 में अंदर। कौन बंदा है? ये लो। यही बंदा है भाई वो। अरे छोड़ो ना बिलजी भाई, काम पड़ जाएगा, काय कोई चिंता करने का। अपना बैठा है ना फाइटर लोग। अपने को तो मालूम था कि ये काम आप आसानी से पटा देंगे। इसके बाद से तो आपके पास आए ना भाई। कोई फिक्र की बात नहीं, बैठो बैठो चाय पानी ना। नहीं 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 नहीं, काय को भाई, आपसे बात किया, आपसे मिला, आपको देखा, पेट भर गया भाई। अभी चलता हूँ, सब भाई लोगों को खुशखबरी देता हूँ। रात में मिलते ना भाई, फिर जलसा करते। बेफिक्र बिंदास। शुक्रिया भाई। आओ जो आओ जो सलाम। ये चल भाई चल। भाई बहुत बुरा हुआ, कोई साला कुत्रा डेरिंग कैसे कर सकता है अपना सपोर्ट रहते हुए नारायण पटेल को टपकाने का। प्रताप चौधरी मैं जानता हूँ नारायण को भी प्रताप चौधरी ने मारा, और वो रोहित भाई को भी टपका देगा। ये साले राजकारण वाले चुनाव जीतने के लिए शहर में दंगा भड़का देंगे और नाम साला मेरा आ जाएगा।